Good evening, friends. After a long time, लोकेश ये किरावली से आता है डेली. किरावली आगरा के पास में एक जगह है, एक तहसील है, वहाँ से बच्चा आता है. उसके आगे से भी 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के आता है किरावली, और वहाँ से फिर कन्वेंस मिलती है, बस मिलती है, ट्रेन मिलती है, फिर ये यहाँ तक आता है मेरे पास. आज इस बच्चे ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की. जो मैच ये बच्चे खेले आज, ही गॉट 3 विकेट्स. बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर बनेगा. मैं इसकी बैटिंग पे भी उतना ही ध्यान देता हूँ जितना इसकी बॉलिंग पे ध्यान देता हूँ. गुड प्लेयर, गुड ह्यूमन बीइंग, गुड ऑलराउंडर, बिकमिंग गुड ऑलराउंडर. मैं अपील सभी बच्चों से ये करूँगा कि आप प्लीज़ अपने करियर को बहुत सीरियसली, जैसे ये बच्चे सीरियस लेते हैं, इतना सीरियस लें जितना आप सीरियस अपनी एजुकेशन को लेते हैं, या एजुकेशन और क्रिकेट दोनों को इस एज के बच्चों को साथ साथ लेके चलना चाहिए. ये मेरा सुझाव है, ये मेरी एडवाइस भी है. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शू है, आप देख सकते हैं, प्यूमा का जूता है, ज़बरदस्त जूता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना. इस तरह के बच्चों के लिए ना, देखो आप इसका शू देख सकते हैं, पूरा गया हुआ जूता है. इस तरह के बच्चों के लिए मोटिवेशन बहुत आवश्यक है. तो चूंकि भाई साहब अफोर्ड करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, वॉट्स इनिशिएटिव लेता है, इसीलिए इस तरह के बच्चों को हम लोगों को आगे रहना होगा. इस तरह के बच्चों के लिए समाज को इस तरह के बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जो जितना भी कैपेबल है. तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी क्रिकेटर्स से कि प्लीज़ टेक योर सेशंस वेरी सीरियसली. सेशंस वाइज सेशन चलना होता है आपको, बहुत सीरियसली लें और एडाउजली प्रैक्टिस करें. एडाउजली, डॉन ब्रैडमैन का वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, एडाउजली, उनकी बुक में लिखा हुआ है. एडाउजली मीन बहुत ज़्यादा परिश्रम करके आप जो अपना सेशन निकालें. यू विल बी गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाई डे. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लोकेश, गुड लक, डू वेल ऑल दिस इन योर लाइफ.